हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। मैं विश्वजीत। आज का टॉपिक वाटरप्रूफ वेल्डिंग मशीन का पीडब्ल्यूएम कार्ड के बारे में। देखिए, उसमें ओसी लाइट जल रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें जो कनेक्टर लगा रहता है, आप देख सकते हो एक कनेक्टर लगा रहता है। इस कनेक्टर का कौन सा कनेक्टर में क्या सिग्नल इन होता है आउट होता है उसके बारे में। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग ओरिएंटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ओसी लाइट जल रहा है, तो मैं यहाँ पे सारे कनेक्टर खोल दिया हूँ, फिर भी ओसी लाइट जल रहा है। मैं आपको सीआरओ में दिखा दे रहा हूँ, उसका आउटपुट भी नहीं दे रहा है। सीआरओ को ऑटो सेट में दे रहा हूँ, देखिए कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, ओसी लाइट जल रहा है। तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ, देखिए। फॉल्ट एनालिसिस करने से पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए थे कौन सा जैक में, कौन सा टर्मिनल में क्या वोल्टेज इन होता है आउट होता है। तो पहले देखिए, यहाँ पे चार पिन का एक कनेक्टर लगा रहता है। मैं इधर ड्रॉइंग करके रखा हूँ, देखिए चार पिन का एक कनेक्टर लगा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ऊपर की तरफ बार है, तो यहाँ से एक दो तीन चार ऐसे करके काउंट होता है। एक नंबर पिन आप इधर देख सकते हो, एक नंबर फिर सिग्नल फॉर फैन, मतलब जब ये काम करेगा तो यहाँ से एक सिग्नल आउटपुट जेनरेट करेगा। इस आउटपुट में एक ड्राइव सेक्शन है फैन का, वहां को सिग्नल, उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद फैन चलेगा वेल्डिंग कूलिंग मशीन का कूलिंग के काम के लिए। दो नंबर पिन आप देख सकते हो एनसी है, ये नॉट कनेक्टेड, कुछ काम नहीं है, नॉट कनेक्टेड है। तीन नंबर पिन आप देख सकते हो ग्राउंड है, कि ये इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई उसका ग्राउंड है। चार नंबर फिर वीसीसी, इसका ऑक्सिलरी सप्लाई वीसीसी है। फिर आप इधर देख सकते हो एक पांच पिन का कनेक्टर है, मैं इधर ड्रॉइंग करके रखा हूँ। देखिये, पांच पिन का टर्मिनल जो है, उसमें एक नंबर पिन में एक और दो में पीडब्ल्यूएम आउटपुट होता है। पीडब्ल्यूएम आउटपुट इस सिग्नल जाके ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है, उसके बाद फेस शिफ्टिंग के बाद अलग अलग दो 180 डिग्री में फेस शिफ्ट करके दो जो आईजीबीटी है उसको ड्राइव करने के लिए जाता है। तो यहाँ से पीडब्ल्यूएम आउटपुट होता है। अब तीन नंबर पिन नॉट कनेक्टेड है, एनसी है, यूज नहीं किया है। चार पांच जो है वो सीटी इन है, इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग होल्डर जाता है उसमें कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए एक सीटी इन होता है। इस सीटी इन की वजह से इसमें ओवर करंट इसको सेंस आता है। तो एक पिन का एक कनेक्टर है, और इधर देख सकते हो टू पिन का कनेक्टर है, मैं इधर एक और दो देख सकते हो। ये टेम्परेचर सेंसर है, नॉर्मली ये एनो रहता है, जब टेम्परेचर राइज करता है तो क्लोज हो जाता है। और इधर देख सकते हो तीन पिन का एक टर्मिनल है, तीन पिन में, तो आप इधर देख सकते हो तीन पिन का एक टर्मिनल है। इसमें एक नंबर पिन का ग्राउंड है, दो नंबर एनसी है नॉट कनेक्टेड, तीन नंबर वीसीसी है। तो अब देख सकते हो, अब हम लोग इसका क्या फॉल्ट है इस कंट्रोलर में देखेंगे। देखिए, मैं सप्लाई दे रहा हूं, ओसी लाइट जल रहा है, मैं इधर इनपुट वोल्टेज को मेजर कर रहा हूं। अब देखिए, देखिए 12.6 आ रहा है। इस कंट्रोलर में 12.6 वोल्टेज होगा तो प्रॉब्लम करेगा, 20 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो ओसिलेट चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका 17-16 वोल्ट भी रहेगा तो ओसिलेट जलेगा, कुछ अलग कुछ प्रॉब्लम नहीं। इनपुट वोल्टेज मतलब अंडर वोल्टेज, जब इसका प्रोटेक्शन क्या होता है अंडर वोल्टेज में, तो यहाँ पे ऐसे तो सिस्टम ज्यादा नहीं है ना, ऐसे वोल्डिंग मशीन है, इसमें तो अलग से प्रोटेक्शन ऐसे नहीं लिख सकता, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडिंग इसमें डाल दिया अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को उसी में दिखा दे रहा है। अगर कुछ बड़ा बड़ा सिस्टम होता है या पीएलसी, उसमें क्या होता है अंडर वोल्टेज में स्पेसिफाइड अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम होता है, इसमें नहीं होता है। इस वीडियो का बनाने का यही मतलब है, क्या होता है टेक्निशियन भाई लोग ओसी जलता है, ओसी का मतलब हम लोग को मालूम है ओवर करंट, तो हम लोग का गेस करेंगे क्या ओवर करंट सेक्शन में कुछ फॉल्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवर करंट नहीं हो रहा है, इसका अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे वीडियो को फुल एंड तक देखिए, ऐसे बहुत टिप्स है, आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। तो चलिए, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस है।
मैं अलग शब्द लगा के दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूँ, अब इधर देखिए 19.8 19.8 वोल्टेज दे रहा हूँ, आप देखेंगे क्या हो प्रॉब्लम है। देखिए ओसिलेट चला गया, वर्क में आ गया, तो अभी वर्क हो रहा है हो, तो अभी हम लोग देखेंगे PWM सिग्नल जनरेट हो रहा है कि नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टर में मैंने बोल दिया जो 5 पिन का कनेक्टर है उसमें 1 और 2 PWM सिग्नल आउटपुट हो रहा है, तो मैं इधर आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इधर इधर आप देख सकते हो कितने फ्रीक्वेंसी है, अभी 45.53 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसका पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, पीक टू पीक वोल्टेज है 43.2 वोल्ट, और नॉर्मल वोल्टेज क्या है, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो फेज टू फेज वोल्टेज, और आप देख सकते हो फेज टू ग्राउंड वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, हम लोग सॉरी ये हम लोग उसको मैं सेटिंग करके रखा हूँ 10 वोल्ट पर डिवीजन, तो पिक टू पिक इतना है, तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ। फिर और भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखिए अभी देखिए अभी काम हो रहा है, मैं इधर करंट दिखा रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो आर्क फोर्स में ज्यादा कुछ नहीं चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में आर्क फोर्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है, इस सर्किट में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इस ड्राइवर सेक्शन में आप देख सकते हो पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है। फिर आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर सेंसर का हिट शॉर्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, देखिए टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट हो गया, इधर ओसी लाइट जल गया आप देख सकते हो, और इधर उधर देखिए अब उधर देखिए इधर फ्रीक्वेंसी चला गया, पीक टू पीक वोल्टेज चला गया, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ शॉर्ट को हटा दे रहा हूँ। तो क्या होता है जब टेम्परेचर हीट हो जाता है तो एनसी हो जाता है, तो एक सर्किट क्लोज हो जाता है, तो ओसी चल आ जाता है, तो ओसी आने का दो रीजन होता है, क्या ओसी आएगा क्या फर्स्ट केस में अंडर वोल्टेज में होगा, सेकंड केस में क्या होगा टेम्परेचर राइज होगा इसमें ओसी हो सकता है, फिर और एक केस में हो सकता है यहाँ का जो सिटी का लाइन इन करेंगे तो होगा, तीन केस में सिटी का जो जब लाइन इन होगा सिटी तब इन होगा, और एक ये देख सकते हो आप इसमें वर्क हो रहा है, ये वर्क इंडिकेशन शो हो रहा है इसलिए यहाँ पे हो रहा है, और एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे दोनों में कुछ लाइट नहीं जलता है, और एक प्रॉब्लम आता है, तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, उस टाइम आउटपुट देता है कि नहीं सब कुछ चेक कर लेंगे।
एक मिनट अभी मैं पावर दे रहा हूँ, देखिए अभी वर्क हो रहा है, अभी हो रहा है, थोड़ी देर बाद वर्क चला जाएगा। आप देख सकते हो ये चला गया। तो अब इधर देख सकते हो, यहाँ पे जब वोल्टेज रहेगा, मतलब ये वोल्टेज कहाँ से आता है, ये पिन पहले देख लीजिए, तीन पिन का टर्मिनल यहाँ पे आप देख सकते हो। एक नंबर में मैंने ग्राउंड दिया, तीन नंबर में पॉजिटिव दिया, अभी वर्क चला गया। ऐसे कंडीशन में वर्क जब चला जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज को इलेक्ट्रोड जब लगा देंगे, होल्डर एक बार लगा देंगे, तो यहाँ पे का वोल्टेज डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तब वर्क करेगा। मतलब ये दोनों जब बंद रहेगा, तो ये दोनों दो लाइट बंद है, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को इस जगह में आके टर्मिनल में वोल्टेज है कि नहीं चेक करना है। यहाँ पे वोल्टेज रहेगा तो ये दो लाइट बंद हो जाएगा, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगा, तो वर्क लाइट और ऑसिलेट नहीं जल रहा है, तो क्या चेक करना है, तब आप लोगों को ये वोल्टेज इनपुट जो है उसको चेक करना है, जो इलेक्ट्रोड का वोल्टेज इनपुट, और उस टाइम आप लोग PWM सिग्नल नहीं पाओगे, तो आप लोग मीटर में मत चेक कीजिए। तब आप पहले इसको फिक्स कीजिए, जब वर्क आएगा तब यहाँ पे आउटपुट देगा। फिर आप देख सकते हो इधर वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। तो मैंने जो बात किया था पहले, एक नंबर पिन जा रहा है फैन के लिए। अब इधर देख सकते हो, इधर से फैन के लिए जाता है, जब इधर से आउटपुट छोड़ता है तब जाके फैन घूमता है। देख लीजिए, देख सकते हो अभी सिग्नल खोल दिया वोल्टेज को, वर्क में है, सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो मैं इसको आप लोगों को नॉर्मल मल्टीमीटर में इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में वर्क हो रहा है, उसी नाइट लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसका PWM सिग्नल आउटपुट होना चाहिए, तो होगा, हो रहा है। तो इसको कैसे चेक करेंगे मीटर को, पहले तो मैं डीसी में रख के चेक कर रहा हूँ। देखिए डीसी में रख के चेक कर रहा हूँ, देखिए कुछ रीडिंग नहीं है, इधर देखिए कुछ डीसी रीडिंग नहीं है। तो आप यहाँ एसी में रख दीजिए, एसी में रख के देखिए इधर वोल्टेज सो रहा है, 5 वोल्ट की तरफ सो रहा है। तो और बेटर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक LED को अब देखिए मैं क्या किया, एक LED में एक 1K का रेजिस्टेंस लिया, आपको मीटर में दिखा दे रहा हूँ, ये 1K का ही है, चेक कर लेता हूँ कौन सा लगा था। सॉरी ये 1K का नहीं है, ये 100 ohms का है, चलो 100 ohms का ही लगा देता हूँ। और आप इधर देख सकते हो एक डायोड दिया हूँ, क्योंकि ये DC में वर्क करेगा, आउटपुट हो रहा था AC, तो मैं इसमें यहाँ पे लगा के देखता हूँ क्या जलता है। देखिए जल रहा है, इधर से पोलैरिटी चेंज करके देख रहा हूँ क्या जल रहा है, हाँ जल रहा है। तो देखिए ये कंट्रोलर सही से काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये कंट्रोलर कैसे चेक करना है। अगर इस कंट्रोलर में कुछ इश्यू होगा तो आई होप आप लोग फिक्स कर लोगे। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। अगर इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।